DCI stands for Digital Cinema Initiative. अगर हम 1930, 1940 या उससे भी पहले फिल्मों के बारे में बात करें, तब फिल्में शूट होती थी, एडिट होती थी, उसके बाद उसको प्रोजेक्शन किया जाता था हॉल में. सो उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं था प्रोजेक्शन का. बहुत सारी प्रोडक्शन हाउस जैसे बड़ी बड़ी डिज्नी, फॉक्स, पैरामाउंट, सोनी, यूनिवर्सल और जितने भी हॉलीवुड के बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक गाइडलाइन बनाएंगे. उन्होंने मिलकर इसका नाम दिया डिजिटल सिनेमा इनिशिएटिव, जिसका मतलब है कि एक स्टैंडर्ड हो. अगर कोई हॉल में फिल्म देखने जा रहा है, वो वहाँ पे फिल्म देखता है, तो वो सेम कलर, सेम ऑडियो के साथ देख रहा है, और फिर वो अगर कहीं दूसरे शहर जाता है या दूसरे कंट्री जाता है, वहाँ पे जाके भी सेम फिल्म देखता है हॉल में या थिएटर में, तो उसको वो सेम ऑडियो, सेम विजुअल्स वो एक्सपीरियंस कर सके. जो DCI है, डिजिटल सिनेमा इनिशिएटिव, तो उसने एक स्टैंडर्ड बना दिया. अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड क्या है. पहले तो वीडियो के बारे में बात करें, तो वो 2K रिजोल्यूशन का होना चाहिए. जैसे कि हमें पता है कि आज भी इंडिया में मैक्सिमम हॉल्स जो है वो 2K पे ही प्रोजेक्शन करती है. अब जो नए हॉल्स है वो 4K की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम हॉल्स जो है वो 2K ही है. सो 2K यानी 2048x1080 पिक्सल्स. इसका बिट डेप्थ कितना होना चाहिए? 12 बिट पर कलर चैनल, यानी 12 बिट का कलर होना ही चाहिए. सो एक तो ये स्टैंडर्ड कर दिया वीडियो का. दूसरा, उन्होंने कलर का किया कि कलर गैमेट जो है वो DCI-P3 कलर स्पेस का ही होना चाहिए. जैसे कि रेक 709 होता है, DCI-P2 होता है. सो उन्होंने DCI-P3 को ही चुना एज एन प्रोजेक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड, कि इतना तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए. सो उन्होंने कहा कि ऑडियो स्टीरियो पे होता है, मोनो पे होता है. सो उन्होंने अपने थिएटर्स को पूरे वर्ल्ड वाइड डिजाइन किया 5.1 चैनल के हिसाब से. सो 5.1 ऑडियो पे मिक्स होना एटलीस्ट चाहिए. आजकल तो 7.1 डॉल्बी भी आ गया, एटमॉस भी है, बहुत सारी DTS है, बहुत सारी है, बट 5.1 उन्होंने एक स्टैंडर्ड रख दिया कि उतना होना ही चाहिए प्रोजेक्शन के लिए. अब ये जो है, ये अब इंडस्ट्री ने अडॉप्ट कर लिया. अब कोई भी फिल्म जो है, अगर आपको कहीं रिलीज करनी है, तो DCI के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होनी चाहिए. एटलीस्ट 2K रेजोल्यूशन, और कलर का डेप्थ है वो 12 बिट होना चाहिए, कलर गैमेट है DCI-P3 कलर स्पेस का होना चाहिए, और आपकी साउंड जो है वो मिक्स एटलीस्ट 5.1 सराउंड के साथ ही होनी चाहिए. होपफुली आप आज समझ गए होंगे कि DCI क्या होता है. सो नेक्स्ट टर्म हम समझेंगे DCP. इसका फुल फॉर्म है डिजिटल सिनेमा पैकेज. तो ये डिजिटल सिनेमा पैकेज क्या है? उससे पहले हमने बात किया था DCI क्या है. बेसिकली DCI के अंदर ही DCP आता है. पहले के ज़माने में 1940s, 1930s या उससे भी पहले हम बात करें, तो फिल्में रील पे शूट होती थी, रील पे एडिट होती थी, और रील पे ही बहुत सारी कॉपीज बना के डिस्ट्रीब्यूशन की जाती थी हॉल पे. अच्छा, वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया. वो प्रॉब्लम क्या है कि जो रील पे फिल्में जाती थी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हॉल्स पे, जो हॉल्स के ओनर्स होते थे या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, वो क्या करती थी कि फिल्में, मान लीजिए कि फिल्म एक हफ्ता चल गई, उसके बाद फिल्म का क्रेज है, लोग अभी भी आ रहे हैं देखने फिल्म, बट हॉल के जो ओनर्स थे या डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, वो क्या करती थी कि वो फिल्म चलाती तो थी, लेकिन वो उसका कोई कलेक्शन नहीं लिखती. वो कलेक्शन ओनर्स के साथ, फिल्म के ओनर्स के साथ ना शेयर करके वो अपने जेब में डाल लेती थी. ये रील, फिल्म रील के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कोई स्टैंडर्ड नहीं था, कोई ऐसे चेक नहीं कर पाता था कि हॉल पे कब चली कब नहीं चली. ये एक प्रॉब्लम आ गया रील के साथ. और रील के साथ ये भी था कि आपको बहुत सारी कॉपीज बनानी पड़ती थी, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बहुत सारी कॉपीज बनानी पड़ती थी, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती थी. समय बीता, उसके बाद जब हम डिजिटल एरा में आए, तो इस चीज़ का एक सोल्यूशन निकाला गया. जैसे कि आप बैंकिंग ऑनलाइन अगर करते हैं, तो आपको OTP आता है. अगर बिना OTP के आज के ज़माने में कुछ हो ही नहीं पाता. ये एक सेफ्टी फीचर है. वो सेम सेफ्टी फीचर फिल्म पे भी लाया गया. अब हम समझते हैं कि वो कैसे. फिल्म आपकी शूट हुई, एडिट हुई, उसके बाद उसको DCP पे पैकेज किया जाता है, यानी एक्सपोर्ट किया जाता है DCP फॉर्मेट पे. DCP भी जब फॉर्मेट हो जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, उस फॉर्मेट पे एक्सपोर्ट निकाला जाता है, उसके बाद उसको इनक्रिप्ट किया जाता है. बहुत सारी बॉलीवुड में भी, हॉलीवुड में भी डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज होती है जो उसको इनक्रिप्ट करती है. इनक्रिप्ट करने के बाद या तो वो उन्हें सर्वर पे डाल देती है सैटेलाइट के थ्रू, या एक हार्ड ड्राइव होता है जिसे हम बेसिकली सर्वर कहते हैं, या फिल्म DCP हार्ड ड्राइव कहते हैं, जिसमें फिल्म को स्टोर किया जाता है. उसके बाद फिल्म प्रोजेक्शन से एक दिन पहले या दो दिन पहले उस फिल्म को थिएटर में, यानी जहाँ पे फिल्म को एग्जीबिशन या एग्जिबिट किया जाएगा,
वहाँ पे भेजा जाता है थ्रू सर्वर के थ्रू या उस हार्ड ड्राइव के थ्रू, और उसको फिर प्रोजेक्शन में जैसे यूएसबी के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट करने के बाद वो फिल्म चलती नहीं जब तक कि आप उस पर एक इनक्रिप्टेड ओटीपी या कोड नहीं डालेंगे, तब तक कि वो फिल्म प्रोजेक्ट नहीं होगी। अच्छा, इससे क्या हुआ, इससे हमें ये पता चल गया कि इस टाइम पे ये फिल्म उस हॉल पे चली है, तो अगर फिल्म चली है तो इसका मतलब लोग भी आएंगे, कलेक्शन भी रिकॉर्ड होगा। सो एक तो ये एडवांटेज हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो फिल्म चला के ये नहीं कह सकते कि फिल्म तो हमने चलाई नहीं। और तीसरी चीज़ ये होगी कि आपकी फिल्म पायरेसी से कहीं ना कहीं बच जाती है। खैर, पायरेसी तो अब भी हो जाती है, बट पहले के ज़माने में क्या होता था कि रील की आप कॉपी बना सकते थे, लेकिन अब अगर आपको DCP की हार्ड ड्राइव मिल जाती है तो आप कॉपी तब तक नहीं बना सकते जब तक कि आपको सर्वर से OTP नहीं आता। सो ये तीन फीचर्स है जिसकी वजह से ये एक स्टैंडर्ड बन गया कि नए ज़माने में ये एक रिवोल्यूशन की तरह आ गया कि एक चेक हो सकता है। दूसरी चीज़, आपकी फिल्म सेफ है। तीसरी चीज़ ये है कि आप किसी भी, आप हॉलीवुड में जाएँ या बॉलीवुड में जाएँ या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में जाएँ या वर्ल्ड में कहीं पे भी आपको फिल्म प्रोजेक्शन करवाना है तो आपको DCP के फॉर्मेट पे ही फिल्म को लेके जानी है और आपको प्रोजेक्शन करवाना है। सो ये है DCP।